जापान की हिस्ट्री में बहुत से लेजेंडरी सैमुराई हुए और उनकी बहुत सी स्टोरीज भी फेमस हुई, बट अगर किसी एक को द बेस्ट सैमुराई का टाइटल देने का कोई कंपटीशन रखा जाए तो बिना किसी डाउट के ये टाइटल ग्रेट लेजेंडरी सैमुराई मियामोटो मुसाशी को दिया जाएगा, जिन्होंने जापान के इतिहास में एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। अपनी आज की वीडियो में हम इसी लेजेंडरी सैमुराई को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मियामोटो मुसाशी एक ऐसा योद्धा था जिसे हराया नहीं जा सकता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनकी तलवारबाजी का किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। वह दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज था क्योंकि दुश्मन के लिए उसकी तलवार मौत का दूसरा नाम होती थी। मियामोटो मुसाशी का जन्म 1584 ईस्वी में जापान के एक गांव मियामोटो के एक सैमुराई परिवार में हुआ था। उसके पिता शीमैन मुनिसाई एक कुशल योद्धा थे। शायद इसी कारण से उन्होंने मियामोटो को छोटी उम्र में ही तलवारबाजी की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी, जिसकी मियामोटो डेली प्रैक्टिस किया करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली मियामोटो को ज्यादा समय तक अपने पिता का साथ नहीं मिल सका। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसकी माँ की डेथ के बाद उसके पिता भी उसे अकेला छोड़कर चले गए। मियामोटो पर अब मुश्किलों का पहाड़ सा टूट गया था, पर उसके भाग्य में तो एक इतिहास लिखना लिखा था, इसलिए वह जिंदगी के सफर में आगे बढ़ गया। उसके चाचा डोरिनबो ने उसकी इस कोशिश को पूरा करने में मदद की। मियामोटो नेकी के रास्ते पर चले, इसके लिए उन्होंने बौद्ध गुरु संत तकुआन से उसे शिक्षा दिलाई। चाचा के कहने पर मियामोटो शिक्षा लेने के लिए चला तो गया, लेकिन उसका मन हमेशा तलवारबाजी में ही ज्यादा लगा रहता था। हमेशा से ही अपने तलवारबाजी के हुनर को दुनिया को दिखाने के लिए बेताब मियामोटो को 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली बैटल लड़ने का मौका मिला, जिसमें उसका पहला ओपोनेंट था आरिमा किहेई। बैटल के शुरू होते ही मियामोटो ने आरिमा पर अटैक कर दिया और थोड़ी ही देर में मियामोटो ने आरिमा को हार का स्वाद चखा दिया। लेकिन मियामोटो आरिमा को तब तक मारता रहा जब तक आरिमा खून की उल्टियां करता हुआ मर नहीं गया। मियामोटो की इस जीत के बाद आकियामा नाम के एक नामी तलवारबाज ने मियामोटो को चुनौती दे दी, जिसे भी मियामोटो ने कुछ ही पल में धूल चटा दी। 17वीं शताब्दी में जापान में इस तरह की लड़ाइयों को लड़ना और जीतना आसान नहीं था, क्योंकि ये लड़ाइयाँ तब तक खत्म नहीं होती थी जब तक कि किसी एक ओपोनेंट की डेथ नहीं हो जाती थी। मियामोटो ने पूरी जापान की यात्रा के दौरान बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। खास बात तो ये थी कि वो लगातार नामी योद्धा को हरा रहा था। वो एक महान तलवारबाज बनने की और मजबूती से आगे बढ़ता जा रहा था, और उसके इसी रास्ते में उसका मुकाबला सासाकी कोजीरो सैमुराई से हुआ। कोजीरो एक बहुत ही बुरा और खतरनाक तलवारबाज था, जिसे जापान के लोग डीमन कहकर भी पुकारते थे। कोजीरो अपनी हर लड़ाई के लिए जापान की सबसे बेहतरीन तलवार निदाची का यूज करता था। जब कोजीरो और मियामोटो में लड़ाई शुरू हुई तो मियामोटो ने जानबूझकर आने में देर कर दी ताकि वो कोजीरो को गुस्से में लाकर उसका ध्यान भटका सके। जैसे ही मियामोटो का प्लान सक्सेसफुल हो गया, उसने कोजीरो पर अटैक कर दिया, जिसे कुछ ही देर में कोजीरो की कहानी खत्म हो गई। मियामोटो ने अपनी लाइफ में बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की। उसकी इसी अचीवमेंट में से एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी तलवारबाजी में नितेन इचिरियो नाम की आर्ट को डिस्कवर करना। इस आर्ट में वॉरियर के दोनों हाथों में तलवार होती है, जिसका यूज वो एक साथ करते हैं। मियामोटो की ये टेक्निक एक बुद्धिस्ट ड्रम बीटर से इंस्पायर्ड थी, जो दोनों हाथों से ड्रम को बजा रहा था। उस दौर में इतनी कुशलता से दोनों तलवारों को यूज करना एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल डिस्कवरी साबित हुई, जिसके लिए मियामोटो को भारी प्रशंसा हासिल हुई। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आ रही होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तलवारबाजी के अपने इस सफर में मियामोटो ने एक के बाद एक 60 युद्ध जीते, पर कहते हैं ना कि कोई कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है। मियामोटो भी इस सच्चाई को नहीं झुठला पाया। असल में वो न्यूरेल्जिया नाम की बीमारी का शिकार हो गया था, जो कि एक गंभीर बीमारी थी, जिस कारण 1643 ईस्वी में उसे न चाहते हुए भी तलवारबाजी जैसी गतिविधियों से संन्यास लेना पड़ा। मियामोटो, जो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी बीमार नहीं हुआ, अपना अंतिम समय किसी आम इंसान की तरह
बिस्तर पर लेटकर नहीं काटना चाहता था, इसलिए उसने मठ के संतों को बुलाकर अपने आप को खड़ा किया और एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में छड़ी लेते हुए वो आगे बढ़ने लगा। पर ऐसा करते ही उसके प्राण निकल गए। इस तरह उसकी मौत भी एक सच्चे सैमुराई की तरह हुई। उसे सैमुराई की तरह ड्रेस पहनाकर एक एम्परर की तरह सम्मान के साथ दफनाया गया। मुसाशी एक लेजेंडरी सैमुराई होने के साथ साथ एक राइटर भी था। उसने द बुक ऑफ फाइव रिंग्स और डोकोडो नाम की किताबें लिखी। इन किताबों में उसने अपनी बहुत सी बैटल टेक्निक्स को हमेशा के लिए अमर कर दिया। कुल मिलाकर मियामोटो एक सैमुराई या तलवारबाज का नाम नहीं, पर एक ऐसे संघर्ष का नाम है जो हमें हर सिचुएशन से लड़ते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, ये था लेजेंडरी सैमुराई मियामोटो मुसाशी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मियामोटो की लाइफ के उन 21 रूल को डिस्कस करेंगे जिन्हें एक्सेप्ट करने पर हर कोई अपनी लाइफ में ग्रेट सक्सेस हासिल कर सकता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।